إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلام عليك يا سيدي يا जिनका इंतखाब हुआ है कि ऐसी चीजें जिसके आगे जालिम ने अपने बंद बांधे और उन्होंने अपने खून देकर उसको तोड़ा, उनका इंतखाब अल्लाह ने किया है और उनके इंतखाब पर हम सबको फखर है। जो तख्मी हुए, जो इस्लाम में तख्मी हुए, बेघर हुए, जिसने जितनी भी कुर्बानी दी, क्या ये छोटी नहीं है कि वो अपना कारोबार छोड़ गया, उसका कारोबार खत्म हो गया, उसके बच्चों का जाहिर असबाब जो रिश्ते वो भी टूट गए, लेकिन अल्लाह ताला की हुई इखलास से की हुई जो भी मेहनत है या जो भी जज्बा है उसको जाया नहीं जाने देता, बिल्कुल उसको जाया जाने देता, वो अपनी बारगाह में उसको बड़ा मकाम देता है। लेकिन हमें ये तरबियत नशस्त है, हकीकत मानते ये तरबियत नशस्त है, इसलिए कि हमें देखना है अपने दाएं बाएं के इन मामला के अंदर जो भी जिस तरह भी किसी को जाहिरी तौर पर कोई नुकसान या हुआ उसको हमने कैसे फायदा पहुंचाना है। हमारी जात को तो फायदा हो रहा है, मैं अगर जाती हैसियत में देखूं तो बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन हमने उन लोगों को साथ लेकर चलना है, उन लोगों को जिंदगी का हिस्सा बनाना है, ताकि किसी के ख्याल में भी ये ना बात उतरे कि हमने इस्लाम के लिए कुछ किया तो इस्लाम ने हमें नहीं दिया। सहाबा कराम ने जब कुर्बानियां दी तो जब बदर वालों की बारी आई तो सबने साथ झुका लिए थे, सबने साथ झुका लिए थे, इनकी खिदमात के आगे हमारी कुछ नहीं है। तो ये नहीं कि हम सब कुछ खुद समेटते जाए और सारा कुछ खुद अपने बारे में सोचते रहे, बल्कि हमने उनके बारे में सोचना है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने जो कामयाबी आपको दी है ना, वो आपके खुद अपने तसव्वुर में भी नहीं है। जो अल्लाह ताला ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी की बरकत से जो इस्लाम का झंडा बुलंद किया है ना, वो आपके तसव्वुर में भी नहीं थी, वो दुनिया में मैं तो क्या पूजा किसी के तसव्वुर में भी नहीं थी, हमारे तसव्वुर में भी थी, लेकिन अल्लाह ताला रब है ही मुझे तसव्वुर से बाहर रखा था। तो आपके पास याद ही है और हमारे कायद का एक तरीका रहा है कि जब भी कुछ इन आयात नवाशा दुनिया को मजीद सर्च हो गया है, मजीद सर्च हो गया है, कोई हमारा फख्र वाली बात नहीं। हाँ ये फख्र जरूर है कि एक बात है कि हमारे सीनों में हुजूर की मोहब्बत है, ये फख्र कायनात से सबसे जुदा है, क्योंकि ये तो हजरत एहसान ने हुजूर के सामने किया है ना, कि तुम्हारे पास माज है, असबाब है, कायनात की हर चीज है, लेकिन ये याद रखना हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत है, ये कायनात में हर एक हमारे लिए फख्र है, लेकिन कोई भी मामला हो, कोई भी बात हो, कहें कि हमने ऐसे कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। बाबा जी का रात एक क्लिप छोटा सा था, फरमाया तहरीक नब्बैक के कारकुन, कोई भी मामला हो, कोई भी बात हो, कहें कि हमने ऐसे कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। बाबा जी का रात एक क्लिप छोटा सा था, फरमाया तहरीक नब्बैक के कारकुन कायदीन, किसी ने कुछ नहीं किया, ये माज़ अल्लाह और उसके बेशक। हाँ, जिन्होंने कुछ किया है अल्लाह ने उनको नवाज दी है, उनको अपने पास बुला लिया है और उनको अपने दीदार अता किया है, और वो तो वो जख्म रिश्ते हुए इंशाल्लाह कयामत में भी आएंगे। हमने आगे बढ़ना है, बहुत जाना है आगे, और इन रात की तकलीफों से, रुकावटों से, इनसे परेशान नहीं होना ये, और बेहौसला नहीं होना। याद रखना, मोमिन जो है ना वो बेसब्री का मुजाहरा नहीं करता, बड़े सब्र का मुजाहरा करता है,
जब हम कहते हैं कि या रसूलल्लाह आपके नाम पर जान कुर्बान, माल कुर्बान, बच्चे कुर्बान, हर चीज कुर्बान, तो यार सब कुछ जब कुर्बान है तो बेहोशी किस चीज की है? बेहोशी किस चीज? आपने आप नहीं बेहोशा हुए, मैं आगे बात कर रहा हूँ। आपको आपका आपके आजमाने वाले आपके दुश्मन आपको आजमाएंगे, लेकिन आपने बेहोशला नहीं होना। बेहौसला होने वाला कभी भी मंजिल नहीं पाया। हाँ, हौसले वालों के लिए मंजिल होती है, और जितना हौसला बड़ा उतनी जल्दी मंजिल। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितना बड़ा हौसला उतनी जल्दी मंजिल, और जितनी बेहौसली का अंदाजा उतने गोल चक्कर। हाँ, उतनी वापसी, उतने यू टर्न। बेहौसली का नाम यू टर्न है। तो आपने हौसला मंद रहना, इंशाल्लाह ये काफिला बढ़ता ही चला जाएगा। इंशाल्लाह काफिला बढ़कर उस मकाम पर चला जाएगा। ये जो एक सुबह आएगी जब हम कहें हमारे कायद ने तो हमें सबक पढ़ाया कि हम सुबह शहर चलेंगे और काफिला होकर हम उस काफिले तक पहुंच रहे हैं। आने की मंजिल वही होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ने आपको हर चीज से नवाजा है। कुफर उंगलियां जो है वो दांतों में पिस गई हैं, और वो दांतों में अभी तक देकर बैठा है कि सदियों बाद कोई ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा कि अगर इखलास हो, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, इखलास से मल मांग दया गाने शाह जब गर्व नवाज बताया, वो इखलास अगर हो तो याद क्या आज अगर जितनी सदियां गुजर सकती हैं इतनी और भी गुजर जाए फिर भी ये बात ऐसी चमकती दमकती रहेगी। ये बात क्या है कि हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, ये हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी है। ये उनकी इज्जत है, ये उनकी नामूस की बरकत है, और ये उनकी इज्जत और नामूस की बरकत है, और ये उनके ताज की बरकत है। ये उनके ताजदार हक़ नबूवत जो ताज है ना, उसकी बरकत है। सदियों बाद आज भी वो जज्बा उसी तरह है, और वो सारी बात है कि जिसके ऊपर तहकीक होगी कि ऐसे भी मुमकिन है कि एक भाई गोली खा के आ रहा हो और दूसरा फिर सामने जाके गोलियों की कुछाड़ में जाके खड़ा देगा, ताज तारे आपकी लड़ाई हो जाए, एक तो जख्मी हो जाए दूसरा भाग जाता है कि मैं तो बच जाऊं। लेकिन यहाँ क्या बात है कि जनाब एक जा रहा है, एक जख्मी हो रहा है तो चार आगे और खड़े हो रहे हैं। तो ये बात हुई है का इश्क है, जिस इश्क को लेकर सहाबा ने समंदर घोड़ों में समंदरों में घोड़े डाल दिए, जिस इश्क को लेकर सहाबा ने कैसर किसरा के दरवाजे खटका दिए, जिस इश्क को लेकर 200 पावरों को पांव में रोड़ डाला। वो कहता है ना, इकबाल कहता है कि तुझे उस गांव ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था पांव में जिसने ताज सरे डाला। आपने करके दिखाया कि वाकई हम उनकी औलादे हैं जिन्होंने पांव में ताज सरे तारा रोंदा था। आपने पूरी उम्मत के और वो जो कर्ज को उतारा है, पूरी उम्मत के कर्ज को उतारा है, और वो लोग जिन्होंने वो कुफर जिसने सदियों मेहनत की, 3-2.5 सदियां हुई है मुसलमानों को मुर्दा करने